मैं डर गया क्या है सुने या हाँ। तो मैंने ना हम लोग वीडियो बनाने लगे थे, मिलियन वाली नहीं, अभी बड़े दिनों बाद घर आया हूँ तो अभी पहले ये सिल्वर प्ले वापस अपना देख लूँ। मैं याद आ जाए ना कि मैं ये पकड़ो जरा। This certificate is given to Nabil by the YouTuber, the owner of YouTuber. It's not me, the owner of YouTuber. मैंने कहा देख लूँ यार, मुझे याद आ जाए कि मैंने ये कमाई हुई है। चलो सो गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ये रख दो ना उधर, कैसे पकड़ के बनानी है? नहीं ना मैं से पकड़ूंगा, नहीं ना मैं चिचोरापन करूंगा आज वीडियो में, लोगों को दिखाऊंगा कि क्या मटेरियल में शीशा सर सॉरी सैनिटाइज कीजिए हाथ में, सेंसिटिव है बहुत ये, पेन दर्द होती है जो कोई नहीं कारपेट। चलो तो ये फॉर्म खराब कर रही हो तुम, इसको ये दिखाएं लेटर को, ये दिखाएं जरा। हम लोग सर्टिफाइड यूट्यूबर है, पर तू भी वो पकड़, तू हाथ में पकड़ ले उसको, मैं शॉपर पकड़ ले। वी आर सर्टिफाइड यूट्यूबर्स। फजूल कट जाना जब तुझे पता है। हां ऐसे पकड़ ले, ऐसे क्या दिखा, इधर पे एड्रेस था वो भी निकाल दी। चल सही है, फिर इधर से पकड़ ले, हाथ रख ले इस पे। हम लोग गरीब यूट्यूबर है, हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ कमाया। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन, यार मेरी बात सुन, मैं ये छोड़ो, ये जरा सा भी नजर आ गया ना आपने कहना ये वीडियो खराब। तो क्या वीडियो क्या है? इतना गंदा किया हुआ। तू यही है शहनाज गिल ने अपने, शहनाज गिल, सिद्धार्थ शुक्ला, मैं भी यही हूं। तो ये वीडियो देखेंगे हम, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमने इससे पहले सिद्धार्थ और शहनाज का, इसको भी रख दो, रख दे। ओके सो इससे पहले हमने सिद्धार्थ और शहनाज का लास्ट सॉन्ग सुना है, जो कि पूरा शूट भी नहीं हुआ हुआ था, हैबिट सॉन्ग। और अभी हम लोग, क्योंकि शहनाज ने अपने चैनल पे ट्रिब्यूट दिया है सिद्धार्थ शुक्ला को, तो अभी हम लोग वो देखते हैं। बहुत टायर्ड हो। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाए, जाके देखें। सो देर ना करते हुए ये पकड़ो तुम वीडियो की, मैं तो आज ये पकड़ूंगा। बढ़ते हैं वीडियो की जाने, लेट्स फर्दर डू माय ट्रेली जंप इनटू द वीडियो। मेरा ही है ये और क्या रखूंगी सबको यहां पे, मुझे गेम नहीं जीतनी, मुझे तुझे जी। मैंने कभी किसी लड़की को ये नहीं कहा कि मुझे तुझे जीतना है, पाना जरूर पाना। 9 नंबर का पाना दे छोटू। आपको क्या रही है? आप मेरी बात कर रही है। तू यही है या पता है, तू यही है या इसने खुद का हुआ है। ये तुम्हारे अबू जब एडिट करने बैठेंगे ना नहीं सॉरी काटना पड़ेगा उन्हें अब। ये बता 2 वीक पहले मैं डर गया क्या है उसने मैं डर गया कसम से। ये तो उसका भाई था रे। तू यही है यहाँ है मेरे दिल को पता है। पहले तुम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे दो फिर मैं बोलूँगा। मुझे लगा कहना है पहले तुम लोग अपनी बोंगियाँ मार लो बाद में अपनी वीडियो को डिस्कस कर लेंगे। हाँ सही बात ही है। चलो बोलो। So guys ये था हो गया ठीक है ना। दिल तक इसका कुछ नहीं जानता मेरा हड्डियाँ पसलियाँ टूट जानी थी यहाँ पे। मच्छर मुझे भी बहुत काट रहा है। हाँ चलो। So guys ये था गाना शहनाज ने जो ट्रिब्यूट दिया है सिद्धार्थ शुक्ला को। ऑब्वियसली मतलब लग ही नहीं रहा है कि वो बंदा बीच में नहीं है। मतलब ऑब्वियसली हमें तो फील नहीं हो रहा लेकिन शहनाज को तो पता चल रहा होगा क्योंकि हर टाइम आपको अपने उस दोस्त को अराउंड देखना और अचानक से वो आपके साथ ही नहीं है आपको उसके ओपिनियन चाहिए तो कोई है ही नहीं बोलने के लिए। तो ऑब्वियसली बहुत बुरा फील होता है पर नेचुरल है सबने जाना है। ऑब्वियसली मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन ये है कि यादों के सहारे रह सकते हैं। और शहनाज के पास उसकी मिलियन बिलियन यादें जो कि बिग बॉस में उनकी साथ में थी उसके अलावा बाहर भी जो इधर उधर सॉन्ग्स किए उन्होंने साथ में और उसके अलावा जो उन्होंने टाइम साथ में स्पेंड किया वो सब उसके पास रिकॉर्डेड भी है। सबसे बड़ी चीज़ कि उसके पास रिकॉर्डेड है अगर कभी भी उसको हो तो वो देख सकती है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनके पास कुछ होता ही नहीं है कि बाद में उनको याद करने के लिए सिर्फ दिल में होता है लेकिन शहनाज के पास वीडियोज़ है उसकी सारा कुछ है तो वो भी एक मतलब थोड़ा सा सुकून हो सकता है लेकिन पूरा तो नहीं ऑब्वियसली हो सकता है क्योंकि जो एक रियल लाइफ में इंसान आपके साथ है वो आपके साथ नहीं है तो बहुत सारा कुछ चेंज हो जाता है। लाइफ अचानक से चेंज होती है। और शहनाज वो बंदी जो हर टाइम हंसती रहती थी मजाक करना एंड ऑल और अभी उसकी शक्ल देखो मतलब इतना सीरियस ये भी फेस ब्रेकडाउन आप पे आ सकता है। मतलब बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। मैं तो ये कहूँगा कि मुझे ज़्यादा डीपली नहीं पता शहनाज और सिद्धार्थ का क्योंकि मैंने बिग बॉस नहीं देखा लेकिन जो मेन नहीं सुना तो सही मैं बता यार मैं चुप करके सुन रहा हूँ मरिया वो पॉइंट ऑफ व्यू रखने ने वो तो मजाक कर रही थी और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये वो इमोशंस नहीं आ रहे इतनी मुश्किल से जितने टाइम मैं बोल रही थी मैं इमोशंस पैदा कर रहा था कि मैंने बोलना क्या। ओके सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैंने सिद्धार्थ और ये जो है ना शहनाज का इनका मुझे इस तरह से नहीं पता बिग बॉस से रिलेटेड नहीं पता लेकिन शॉर्ट क्लिप्स जो इनके मज़ाहिया या फ़नी जो इन्होंने सारी हरकतें की हैं वो बहुत फेसबुक पे हर जगह पे ना आती रहती थी तो बड़ा मज़ा आता होता था फन करते थे इन्जॉय करते होता था मैं भी खुद देख के इनको तो वहाँ से पता चल जाता है कि बॉन्डिंग कितनी अच्छी है इनका रिलेशन आपस में कितना अच्छा है ठीक है। और उसके बाद एकदम से ऐसा इंसिडेंट हो जाना जिसमें डेथ हो जाना उसके बाद डेफिनेटली अगर आपका कोई इतना दिल के क्लोज होता है तो आपके दिल को हर्ट ज़रूर होता है। तो बाकी मैं कुछ इस पे ज़्यादा नहीं बोल सकता। बाकी RIP सिद्धार्थ यार मेरे ना बहुत मिक्स फीलिंग्स हैं इस गाने को लेके। देखो अगर किसी का कोई मतलब ऑब्वियसली सबने जाना है। तो वो जो पहले हमने गाना देखा था वो तो चलो वो शूट हो रखा था, ठीक है, और उसमें उन्होंने थोड़ा सा ऐड ऑन करके उसको रिलीज़ किया। वो बेसिकली वो ये था कि वो एक प्रोडक्शन टीम होती है, उन्होंने पैसा लगाया था, उनको अपना पैसा वापस चाहिए होता है, ठीक है ना। बहुत सारी मूवीज़ में भी ऐसा होता है कि एक्टर की डेथ हो जाती है तो लेकिन स्टिल कंटिन्यू की जाती है मूवी किसी न किसी तरीके से। जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस में पॉल वॉकर की डेथ के बाद उनके भाई को CGI करके दोबारा से वो क्रिएट किया गया था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं मूवीज़ जो प्रोडक्शंस होती हैं ना, बिग प्रोडक्शन, उनमें तो करना पड़ता है। लेकिन इस गाने को लेके मेरी मिक्स फीलिंग्स ये हैं कि यार देखो, अब मेरी फीलिंग ये है कि आपका अगर कोई क्लोज वन जाता है तो आप अपने इस मेंटल स्टेट में होते हो कि उसके लिए गाना बनाओ। मतलब बंदा टूटा होता है, बंदे के पास हिम्मत ही नहीं होती कि बंदा कुछ करे, और फिर मतलब मुझे इस तरह के गाने नहीं अच्छे लगते यार। मतलब इस तरह के ट्रिब्यूट्स, आप वैसे उसकी मेमोरीज शेयर कर दें आप। मतलब मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी है जो वीडियो बनाई है, जिस तरह वो पुरानी मेमोरीज देख रहा था मैं। अगर शहनाज सिर्फ वो पुरानी मेमोरीज होती और एक कमरे में बैठी होती जिस तरह उस गाने में बैठी हुई थी और गाना रिकॉर्ड कर देती और सब वो सीन दिखाते वो ठीक था। लेकिन वो जो सीन जिनमें एक कोई और बंदा सिद्धार्थ बन के उसको टच कर रहा है या उसका हाथ पकड़ के चल रहा है, इस तरह के सीन ना मुझे ओवर लग रहे थे कि एक बंदा चला गया है, मैं बोल रहा हूँ एक बंदा चला गया है तो उसकी जगह किसी और को, मतलब सिर्फ एक वीडियो में थोड़ा सा व्यूज लेने के लिए, थोड़ा सा लोगों को ज़्यादा इमोशनल करने के लिए आप किसी और एक्टर को उसकी जगह खड़ा करके। पर्सनली जो अगर मेरा कोई अपना खुदा ना खास है वो, तो मैं ये फीलिंग नहीं कर सकता कि उसकी जगह किसी और मतलब को खड़ा करके उसकी तरह एक्टिंग करूँ। उससे अच्छा ये होता कि शहनाज एक कमरे में बैठती, अच्छे सा उसके एम्बियंस होते, उधर बैठ के गाना गाती और बस क्लिप्स चल रही होती, बिग बॉस की क्लिप्स चल रही होती या कोई भी क्लिप्स चल रही होती, वो मैं ज़्यादा अच्छे से लाइक कर सकता। फिर वो जो सीन था जिसमें पीछे से सिद्धार्थ बुलाता है और वो मुड़ के देखती है, वो सब एक्टिंग थी यार। मतलब मुझे एक्टिंग नहीं अच्छी लग रही थी। मैं नहीं जा रहा हूँ कि एक्टिंग देखूँ, मैं ओरिजिनल इमोशन देखना चाह रहा था और ये सब एक्टिंग थी जिसमें कोई और आके टच कर रहा है उसके फेस को, या ये जो भी सीन्स हैं ये मुझे पर्सनली, मैं इनसे डीअटैच हो रहा था। मैं पहला जो गाना था उससे ज़्यादा अटैच हो गया था क्योंकि वो अपने कमरे में बैठी थी, यानी कि एक वेन्यू में बैठी थी, जो भी जगह थी वहां पे उसने रिकॉर्ड किया। बाकी पीछे वो जो क्लिप्स पहले की रिकॉर्ड हुई थी वो यूज हो रही थी, वो सही था। इसमें सिंपथी वोट्स लेने के लिए सिंपथी, मैं देखिए मेरा ओपिनियन है ये, मुझे पता है बहुत लोग इससे डिसएग्री कर रहे होंगे, मैं खुद भी समझ रहा हूँ जो लोग डिसएग्री कर रहे होंगे, लेकिन हर बंदे का अपना इंडिविजुअल ओपिनियन होता है। मेरे ओपिनियन के हिसाब से मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि मैं इतना कनेक्ट नहीं फील कर रहा क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि ये सिर्फ व्यूज के लिए किया जा रहा है, एक बंदे की डेथ को यूज किया जा रहा है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हर मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं हो सकता है मुझे ये फील हो रहा है, वो ना हो शहनाज खुद भी दिल ना हो ये करने को। मैं बताऊँ, हाँ पॉइंट क्लियर हो गया। पॉइंट ये था कि जब सिद्धार्थ की डेथ हुई थी ना, इनको मिलियन बिलियन लोग फॉलो करते हैं, मतलब जिनमें ज़्यादातर बच्चे हैं, मतलब छोटे टीनेजर्स हैं और मतलब जो इतने ज़्यादा समझदार नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सिद्धार्थ की डेथ के बाद उसके बहुत सारे फैंस छोटे बच्चियों को, गर्ल्स को बहुत स्वेयर हार्ट अटैक्स और इस तरह की चीज़ें हुई हैं। उनकी एक फ़ैन की तो डेथ भी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली ये दिखाया गया है कि शी इज़ दैट बट स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो ये काम कर रही है, तो सबको अपना आगे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। मतलब वो उनके लिए उसने बेसिकली बनाया कि उनको दिखा रही है कि नाउ शी इज़ लिटिल बिट ओके, ठीक है। ये सीन है, ये अपनी मर्जी है, जो मर्जी कहें वो वही ना। नहीं देखो ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू और था, आपका पॉइंट ऑफ व्यू और, तो यही तो जम्हूरियत का हुस्न है, यही तो जम्हूरियत का हुस्न है। कुछ और होता है, हर बंदा अगर एक ही चीज पे एग्री करे तो फिर इंडिविजुअलिटी नहीं रहती। तो मुझे यही चीज अच्छी लगती है कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है मेरा, और हम सबके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट भी करते हैं। हाँ कि कोई पॉइंट ऑफ व्यू देता है तो उसको ऐसे करके चुप करा देते हैं, करवा देते होते हैं, लेकिन मुक्के मार के सही कर देते हैं, इधर मीम्स लगने वाले। तो ये था व्लॉग आज का। लेकिन मुझे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो क्लियर है अभी भी कि मुझे नहीं, भले यार देखो लोगों के अपनों की डेथ होती है, सब कुछ होता है, लेकिन मतलब मुझे वीडियो बुरी नहीं लगी, मुझे सिर्फ वो सीन्स बुरे लगे हैं जिसमें किसी और एक्टर को उसकी जगह एक्ट करवाया गया। कुछ तो करना था ना यार। नहीं यार, किसी भी चीज देखो ना, कोई भी अगर ये पहली वीडियो थोड़ी। अब मुझे सबसे अच्छा सीन पता है कौन सा लगा है, वो जिसमें वो बिग बॉस के घर में बैठी और सिद्धार्थ गायब हो रहा था और आ रहा था टेबल पे, वो सीन सबसे अच्छा लगा है मुझे। इस तरह के मोमेंट्स अगर डाले जाते वीडियो में वो ज्यादा अच्छे लग रहे थे मुझे बनिस्बत। अगर वो बाहर वॉक कर रही थी वो भी सही थे, लेकिन जिन सीन्स में सिद्धार्थ की जगह किसी और एक्टर को खड़ा किया ना, वो मुझे चीज अच्छी नहीं लगी। लेकिन उसमें किसी का मुंह तो नहीं ना दिखाया, मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मतलब वो एक कनेक्टिविटी मेरी लैक हो रही थी। देखो ना, वो अपने इमोशंस बता रही है कि मैं क्या फील करती हूँ और क्या हो रहा है यार, वो ठीक है। वहां पे हम उसको इतना पकड़ के नहीं खींच सकते। मैं खींच सकता हूं, नहीं मैं खींच सकता हूं, मेरा पॉइंट है ना, चलो खींच सकते, नहीं खींच सकता, कोई मसला नहीं। सो गाइस, दैट वाज आवर ओपिनियन ऑन तू यही है यहां है। इफ यू लाइक वाचिंग आवर वीडियो, प्लीज गिव अस अ बिग फैट थम्स अप। इफ यू वांट टू सजेस्ट मी समथिंग और यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज राइट दैट इन कमेंट सेक्शन बिलो। यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, टिकटॉक, लाइक ही बेसिकली आई एम एवरीवेयर। सिंपली सर्च NABLSSD यू विल फाइंड मी। यू कैन आल्सो फाइंड हर on YouTube Mariam _Shehzad and on Instagram Mariam _Shehzad. So guys, that's it for now. You can also follow him ZESSHUUFAM and you can find me everywhere. And you can also click here to subscribe our YouTube channels. Click here to watch our other videos. Stay blessed, stay happy, enjoy your life. Bye, take care, peace.